हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक ज्ञान। लॉजिकल में सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मनीष, सभी लोगों को नमस्कार। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा आपसे 14S लैपटॉप की। ऑन डिमांडिंग ये लैपटॉप मैं लेके आया हूँ। काफी अच्छा लैपटॉप है और बेस्ट पार्ट ये है कि ये अंडर दी बजट लैपटॉप है। सो आपके ये बजट में एक अच्छा लैपटॉप आपको मिलने वाला है गाइस। हाँ भाई, प्राइस भी मैं बताऊंगा, एंड में प्राइस बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। सारी चीजें सारी पूरी एक ए टू जेड डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहा गाइस 14S लैपटॉप, जो कि काफी लाइट वेट है यार, बहुत ही हल्का वेट। मैं क्या ही बोलूँ, इससे लाइट वेट मशीन कहाँ मिलेगी आप, क्या ही मिलेगी। देखो कितना लाइट वेट है। और मैं इसके लुक की बात करूँ, डिजाइन की बात करूँ, काफी अच्छा डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है और विद HP लोगों के साथ। तो यस, इसकी ब्यूटी और भी एनहांस हो रही है यहाँ पे। और इसकी मैं कलर की बात करूँ, नेचुरल सिल्वर कलर आपको मिल जाता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव कलर आपको यहाँ मिल रहा है और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है गाइस। एंड लाइट वेट भी है। प्लस पोर्ट्स की मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक आपको HDMI, एक आपको USB, एक आपको अदर USB और एक टाइप सी। तो यहाँ पे आपको दो टाइप सी के, एक टाइप सी पोर्ट, दो USB पोर्ट आपको मिल रहे हैं और एक HDMI का पोर्ट आपको मिल जाता है गाइस, जो कि काफी अच्छा एक ऑप्शन मिल रहा है। और इस साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक SD कार्ड का स्लॉट मिल रहा है और दो यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, जो कि एक स्टोरेज का है और एक आपका पावर का है। सो और मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, इसकी मैं डिस्प्ले की बात करूं तो गाइस यहां पे आपको माइक्रो एच डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी फुल HD 1920x1080 का माइक्रो एच डिस्प्ले विद एंटी ग्लेयर। सो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, मैंने ये बात करी यहां पे आपकी डिस्प्ले की, और डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल रही है और एंटी ग्लेयर भी है। सो यस, आपके आईज पे किसी टाइप का स्टेन नहीं आने वाला। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो किसी टाइप का इफेक्ट भी नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर मिल रहा है। और मैं अब बात करूँ उसके कैमरे की, तो यहाँ पे आपको जो कैमरा है इसका, HP का विजन कैमरा आपको मिलता है, जो कि HD कैमरा है और कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको कैमरा क्वालिटी भी इसकी दिखा देता हूँ। सो गाइस, लुक एट द कैमरा क्वालिटी, देख सकते हैं गाइस कैमरा इसका कितना अच्छा, इतना शार्प कैमरा आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो और ऑटो वेयर को ये फ्रेम भी दे रहा है, देख रहे हो। सो काफ़ी अच्छा कैमरा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है विद डुअल एरे माइक। और इसकी मैं बात करूँ माइक की, यहाँ पे दो माइक आपको मिल जाते हैं। दिस इज एरे डुअल माइक, जो कि HP के खुद के यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, डुअल एरे माइक। सो यहाँ पे आपको जो वॉइस होगी काफ़ी अच्छी जाएगी भी, काफ़ी अच्छी आएगी भी। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। एंड मैं इसके कीज़ की बात करूँ, यहाँ पे कीबोर्ड जो आपको मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे कीबोर्ड से, काफ़ी कम्फर्ट कीज आपको मिल जाती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कीज है। एंड ट्रैक पैड भी आपको यहाँ पे मल्टीपल गेस्चर ट्रैक पैड मिल जाता है, जो कि मतलब एक मल्टीपल एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं आप, तो इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हैं लाइक दिस। तो एक अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एंड लाइट वेट भी है अच्छा, एक आपको यहाँ पे लुक एंड फील भी मिल रहा है। एंड बैटरी बैकअप की मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इजिली नॉर्मल मिलने वाला है यहाँ पे। और साइज भी काफी कॉम्पैक्ट है, 14 इंचेस का साइज है। अब मैं इसकी बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पे गाइस आपको i3 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा एक ऑप्शन है 11 जनरेशन के अंदर। 3 GHz की इसकी नॉर्मल क्लॉक स्पीड है, तो यस अगर आप थोड़ा सा हैवी वर्क कर रहे हैं तो ये 4.1 GHz तक बूस्ट हो जाएगा। एंड 8 GB की रैम मिल रही है DDR4, इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाएगी। एंड 512 GB की SSD मिल रही है, NVMe की SSD है। तो यस, आजकल सभी में SSD आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है SSD लेना लैपटॉप के अंदर। सो मेक श्योर आपके लैपटॉप के अंदर SSD होनी चाहिए। सो इससे आपका लैपटॉप बूट फास्ट भी होता है और यस ओवरऑल स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। ऑफिस प्री इंस्टॉल है, लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल रहा है। सो अगर आपको नॉर्मल यूज़ भी करना, लाइक वर्ड एक्सेल पर काम करना, तो यहाँ पर आपको अलग से लेने की जरूरत है, तो प्री इंस्टॉल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो लाइट वेट भी है, कॉम्पैक्ट भी है, इजिली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और 14 इंचेस में आपको मिल रहा है। सो जो कि सबकी आजकल टाइम में सबको लाइट वेट चाहिए और एक कॉम्पैक्ट साइज चाहिए होता, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल रही है गाइस। सो एक अच्छा एक ऑप्शन है। एंड HP की तरफ से यहाँ पे आपको बिल्ट इन जो ऐप्स मिलती है, दो मैं आपको ऐप्स बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको यहाँ पे मिल रही है इसकी Alexa ऐप, सो ये एक Alexa भी आपको बिल्ट इन मिल रहा है। सो Alexa को अपनी Amazon से आप अपनी ID लिंक करो और Alexa का कोई भी कमांड तो वो आपको ओपन करके देगा। एंड क्विक ड्रॉप, सो गाइस यहाँ पे आपको HP का एक ऑप्शन मिल रहा है काफ़ी अच्छा, जो कि HP की ये खुद की एप्लीकेशन है क्विक ड्रॉप। सो क्विक ड्रॉप से आप इजिली डाटा शेयर कर सकते हो अपने फ़ोन में। आपको क्या करना होगा, सिर्फ अपने लैपटॉप में आपको
क्विक ड्रॉप की एप्लीकेशन चाहिए जो कि एचपी की से आपको बिल्ट इन मिल जाएगी, और अपने एक फ़ोन के अंदर आपको एचपी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी क्विक ड्रॉप। तो ईजिली आप यहाँ से अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि काफ़ी कम समय में आपको ट्रांसफ़र करके दे देगी फाइल ये। एंड प्राइस की मैं बात करूँ गाइस, काफ़ी अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप 40 की और 45 की रेंज में अगर आप जाना चाहते हो, 40 से 45 की हज़ार की रेंज में, तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, अच्छी मशीन है। i3 के अंदर 3 GHz और 4.1 GHz तक जा रहा है, तो एक परफॉर्मिंग लैपटॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए परफॉर्मिंग लैपटॉप भी। बट हाँ, बट नॉट डैट लेवल, मतलब वो लेवल का नहीं है। अगर बेसिक काम है उससे थोड़ा ऊपर यूज़ करना चाह रहे हो तो इजिली आप कर सकते हो। सो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है लाइट वेट के साथ, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ले सकते हैं अगर आप 40 से 45 हज़ार की बजट में आप जाना चाह रहे हैं, तो वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, अपना प्यार देते रहना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, एंड कीप वॉचिंग।